मित्रों आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज बजाज फिनसर की तरफ से। आरबीआई ने जो लगाया था ऑनलाइन ईएमआई कार्ड को यूज करने के लिए, ऑनलाइन लोन के लिए न्यू ईएमआई कार्ड अप्लाई आप नहीं कर सकते, इस चीज को हटा दिया, रिमूव हो गया। अब आप जो है कैसे बजाज ईएमआई कार्ड से ऑनलाइन लोन ले सकते हो और इसके बाद आप न्यू कार्ड अप्लाई कर सकते हो, चलिए बताने वाले हैं। क्या अपडेट, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मित्रों देखो यहाँ पे अभी आरबीआई ने इसको रिलीज कर दिया है, ऑनलाइन लोन आप ले सकते हैं, न्यू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ईएमआई कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी आपके सिस्टम में अपडेट होने में एक दिन, दो दिन, तीन दिन लग सकता है। आगे पीछे धीरे धीरे सबका ये अपडेटिंग हो जाएगा और प्रॉपर आपका काम करने में अभी 3 से 4 दिन 5 दिन, 1 हफ्ता जो भी वो लग सकता है। बाकी आरबीआई तरफ से जो भी ऑब्जेक्शन था उसे हटा दिया गया है, अब आप प्रॉपर बजाज ईएमआई कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बजाज ईएमआई कार्ड फिर से चालू होने, ऑनलाइन काम करने और लोन अप्लाई करने में बेनिफिट क्या है? देखो मित्रों, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आपकी सैलरी कम है, आप 10,000 रुपये कमाते हो, 12,000 रुपये कमाते हो, अब आप घर में कूलर लेने का इच्छा किया, फ्रिज लेने की इच्छा किया, टीवी लेने की इच्छा किया, मोबाइल लेने की इच्छा किया, आप मार्केट में जाओगे तो आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। बजाज ईएमआई कार्ड क्या काम करता था, फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, कार्ड नंबर डालो, अगर आपके लिए 50,000 है तो 20,000 रुपये का सामान ले लो, 6 महीने 8 महीने 9 महीने उसको ईएमआई कर लो, टेंशन फ्री हो गया। आसानी से किस्तों में आप सामान लेके अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हो, पैसा आपके बैंक से डेबिट होगा। हाँ थोड़े मोड़े नॉर्मल चार्ज है, ऑनलाइन में कम चार्ज है, ना के बराबर, ऑफलाइन तो काफी ज्यादा चार्ज है। तो मित्रों यहाँ पे एक प्रकार से उन लोगों के लिए बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड सबसे नंबर 1 है, इसके मुकाबले आज तक इंडिया में कोई नहीं है। दोस्तों जब क्रेडिट कार्ड भी नहीं था तब से बजाज ईएमआई कार्ड काम कर रहा है, क्रेडिट कार्ड था बट उस लेवल तक नहीं था, मतलब कि एक ना के बराबर, फिर बजाज ईएमआई कार्ड लोगों को, जरूरतों को पूरा कर रहा था। तो बजाज ईएमआई कार्ड को कोई पीछे नहीं कर सकता, इतने सारे सिस्टम आए, कैपिटल फर्स्ट का आया, एचडी फाइनेंस का आया, होम क्रेडिट का उज्ज्वल ईएमआई कार्ड आया, कोई उतना प्रॉपर काम नहीं किया, बट बजाज ईएमआई कार्ड हर जगह काम करता है। तो काफी लोग बोलते हैं कि गलत है, बुरा है, बहुत पैसा लूटता है, बहुत कंपनी फ्रॉड है। देखो भाई, जो लोग टाइम से पैसा पे करते हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग पैसा टाइम से पे नहीं करते उनके लिए बुरा है, सबका सिस्टम अलग अलग है। तो भाई मैं इतना जानता हूँ कि जो बेचारे मजदूर हैं, जो उतने पैसे नहीं कमा सकते, ईएमआई पे छोटे सामान लेके अपनी पूर्ति कर सकते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। भाई अगर बड़े आदमी है, पैसे ज़्यादा है, तो उन्हें क्या इस ईएमआई कार्ड का जरूरत है? तो ये कहानी है, बाकी गुड न्यूज है आप लोग के लिए, आप खुश हो जाइए। अगर आपके शो अभी अपने शो नहीं कर रहा है, टाइम थोड़ा सा लगेगा और शो करना चालू कर देगा, अपडेट भी हो जाएगा और बहुत जल्दी आप इसको शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर पाओगे, ऑनलाइन अप्लाई फिर से कर पाओगे, लोन ले पाओगे, सारे काम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। अब टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो आप बताना आप इस न्यूज़ से कितना हैप्पी हो, कितना खुश हो, क्या आपको बजाज ईएमआई कार्ड नंबर 1 लगता है? अपने अकाउंट में जरूर शेयर करना और बताना कि क्या इसके मुकाबले और कोई है, वो भी शेयर कर देना। बिल्कुल कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।